काके ने कर दिया है मिल्ली के ऊपर सुसु। तुझे मले क्या? और देखो यहाँ पे तुम्हारे को मैं दिखाता हूँ, ये देखो दिस इज द काका शोरूम। ये काके का पजामों का शोरूम, देखो कितने सारे पजामे इसके लटके हुए हैं, क्योंकि एक दिन में भाई कम से कम 20-30 से भी ज्यादा बार सुसु कर देता है। कौन सा पजामा दूं? ये वाला दे दे, ये रहा इसका पजामा जो एकदम सूखा हुआ है। तो भाई देखना अभी काका आपको मेरी एक्टिंग करके दिखाएगा। काका ऐसे भूत कैसे करता है भूत? सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो चलो दोस्तों ज्यादा छुट्टी ना करते हुए चल गुरु हो दशु। सो भाई कपिल मामा गए हुए अभी किसी काम से, तो उनको मैं सरप्राइज दूंगा, क्योंकि उनकी जो बाइक है ना भाई, उनकी बाइक है बहुत गंदी। सो अपना भी टाइम पास नहीं हो रहा, तो मैं इनकी बाइक को धो दूंगा, तो इनको भी अच्छा लगेगा। आएंगे जब साफ सुथरी बाइक मिलेगी इनको, एकदम चिकनी करके एकदम। तो अभी खड़ा देखो मैंने धूप में, अभी यहाँ पानी भर रहा है, तो इसको जल्दी जल्दी से चमचमा देंगे बिल्कुल। सो ये देखो भाई बाइक कुछ ऐसी लग रही है अभी गंदी, हर तरफ देख सकते हो तो मिट्टी मिट्टी है इसमें लगी हुई। देखो पूरी एकदम मतलब तरीके से गंदी कर रखी है, देखो तो मिट्टी भी दिख रही होगी। सो इसको अभी जल्दी जल्दी से पहले मैं धोऊंगा बढ़िया से, साबुन वगैरह शैम्पू शैम्पू सबसे लगा के ना इसको अपने अपने वाले स्टाइल में इसको एक नंबर बना देंगे। तो भाई चलो। सो भाई देखो बाइक अब धुल चुकी है अच्छे से, पूरी अच्छे से चमका दी। देखो कहीं भी मिट्टी नहीं मिलेगी अब तुमको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे अच्छे अच्छे काम मैं करता रहता हूँ। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मम्मी ने यहाँ पे देखो चूल्हा जला लिया है। बोलो कुछ क्या बोलू, कुछ तो बोलो। क्या सेकी रहे हैं भाई अभी? इसलिए जलाया, ठंड लग रही थी, मैंने चूल्हा जला दिया। घर पे कोई भी नहीं है भाई, मतलब इस वक्त सारे अभी गए हुए, मतलब नीचे जो इनका सबसे बड़ा खेत है ना, वहाँ पे घास उग जाती है, तो मशीन से उसकी कटाई कर रहे हैं सारे, मतलब मामी मामा जी। तो अभी नीचे जाएंगे मैं और मिली, उनको चाय देकर आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले खाना भी दे के आए उनको, सो तब मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरा फ़ोन पूरा डिस्चार्ज था, तो अभी मैंने चार्ज किया। तो अब चलेंगे नीचे, उनको चाय वगैरह देकर आएंगे, क्योंकि वो भी थक गए होंगे अब भाई घास काट काट के। हम भी देखेंगे ज़रा कैसा खेत है, आपको दिखाऊंगा मैं। ले ली चाय तुमने? तो भाई मिल्ली के हाथ में जो थैला देख रहे उसमें इसकी चाय है। कितने बंदे नीचे वहाँ पे खेत में? पाँच। ये देखो अच्छा घास नहीं में काट रहे हैं, ये भी जा रहा है, ये पागल हो गया, ऐसा टक गया ये, और कुछ नहीं है। मैं इसको बोल रही हूं तू चला जा, मैं भी गया इधर में अकेला, बोल दो तुम जरा, मेरी टांग में लग रही है, तू आटे को जा मेरे काम से। टांग में लग रही है, हर व्लॉग में घस से खाता है। सो चलो दोस्तों जल्दी जल्दी यहाँ से खेत में चलते हैं, क्योंकि अभी मेरे को बहुत नीचे जाना है। यहाँ से रोड कह रहा हूँ सॉरी, रास्ता पूरा ख़राब है, कच्चा रास्ता है पूरा मेरे को। तो चलो मैं आपको सीधा खेत में लेके चलता हूँ। देखो भाई मेरे भाई से यहाँ पे गाय नहीं खुल रही है, जो कि बड़े ही शर्मिंदगी वाली बात है। इसको देखो इसके अए इसके पता नहीं क्या कीड़े लड़ते हैं, आ जाएगा दौड़ के। खुलेगी नहीं भाई तेरे से रहने दे, मिल्ली खोल सकती है इनको, जिसका काम उसी को साजे। ओ भाई ओ देखो, ओ भाई मैं गिर गया था, कैसे खोल लिया? अब मिल्ली खोल के दिखाएगी। बड़ा जी तरीके से बंद है। हेलो सर कैसे हो? इतना दिमाग सी होता है, ये ऐसे करके नहीं करता तू, उल्टू ही है। मैं देखता हूं अगर खोल दिया ऐसे खींचना पड़ेगा। अब देखना स्टंट इसका। ओ भाई नहीं पैदल को मत, ओए भगा दिया भाई इसने तो। भाई इनकी लड़ाई हो रही है, क्योंकि जो गायें खोली थी इसको बांधने को कहा था, ये छोड़ गया और दूध पीने लग गई थी गाय इसका, और इसके हाथ में लग गई बेचारी। दफा हो दफा हो जिंदगी चमेरी, सो भाई देखो ये रहा इनका पुराने वाला घर, जहाँ मतलब पहले रहते थे जब छोटे छोटे थे, सब तो ऊपर नया बन गया। और यहाँ देखो ये रहे परसिमोन का पेड़, और नीचे देखो ये इनके अभी तक मतलब खेत इनके अभी भी है, ये वाले ये पूरे सेब के पेड़ देखो यहाँ लगे हुए। भाई इतना टाइम होगा चलते चलते, अभी भी बहुत नीचे है, थक गया भाई। तो भाई देखो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, देखो यहाँ से भाई मतलब चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा है। ये देखो
भाई मतलब ऐसी जगह पे है नीचे अभी तक, अभी इतना टाइम हो गया चलते चलते, अभी भी और नीचे जाना है अपने को। ये देखो भाई मतलब कितना सारा घास काट चुके हैं यहाँ पे, देखो चुप पड़ा हुआ है ना सारा, ये घास ही घास है पड़ा हुआ सारा, और नीचे तक भाई पूरा मतलब जंगल ही जंगल है। और वहाँ पे आगे मामा जी वगैरह सारे घास काट रहे हैं मशीन से, और घास की अलग ही खुशबू आ रही है भाई मतलब यहाँ पे। मतलब हरा घास भी है थोड़ा थोड़ा, बाकी मतलब उधर वाला सूख चुका है सारा घास, तुम देख सकते हो। देखो ये आसपास सारा घास कटा हुआ है यहाँ पे। ये देखो भाई घास काटने की मशीन ये पड़ी है, देखो एक उधर भी पड़ी है आगे जाके। ये देखो कितना सारा घास काट रखा है यहाँ पे, ये सारा वो रहे नीचे मामी मम्मी मम्मी आप दिख नहीं रहे, ऐसे करो दिख रहे हैं। हाय गाइस, बाकी वर्कर्स भी लगे हैं बहुत सारे काम करने। वो देखिए आगे मामा जी आपको दिख रहे होंगे थोड़े से, ये थोड़ी फ्लैश ज़्यादा है, वो देखो इस पर इतना फिसल रहे हैं ना मतलब जूते। ये देखो मिल्ली अभी जाएगी चाय देने के लिए नीचे, मैंने बोल दिया अगर मैं गिरी ना वीडियो। और देख गिरेगी तो आनंद आएगा। क्या बोला तूने? वहाँ तक जाना है इनको, हम भी चले। रुक जा मैं भी आ रहा हूँ। कपिल मामा क्या बनाया वहाँ घास? आपने काटा ये? दोनों ने काटा, नहीं ना परे वहाँ काटा नहीं। ये देखो भाई पूरे में काट रखा है। देखिए मिल्ली इनको चाय डाल रहे हैं, गर्मा गर्म। गर्म है? सीधी बैठोगी इधर दीजिए, लो जी जल्दी पकड़ो। आ हाथ जल गया। स्टील का ग्लास। बिकॉज यू आर फेमस, आपकी चाय ठंडी नहीं होगी, आपको गिलास का ध्यान रखना पड़ेगा। अब नीचे जाना है, चलो नीचे चलते हैं, अपनी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्या पता गिर जाऊं मैं, काम आएगी बाद में। खुद नहीं गिर जाना यार। वीडियो बनाते बनाते गिरे एक बच्चे, आग गिर गया। देखा दोस्तों भाई जूते ही ऐसे क्या करना, हो सकता है दोस्तों ये मेरा आखिरी व्लॉग हो। फोन ना गिरा। नहीं नहीं मैं कैमरामैन पढ़ना। रुक जा मेरे को भी आने दे। नीचे जा चाहे देख ले तू, देखा ना। हाय आखिरकार पहुंच ही गए, गिर गिरा के। पर जब पानी की बोतल है, चाय तो दे दी सबको अच्छे से यहाँ पे, घास तो भी कटता रहेगा यहाँ पे, कब तक काटेंगे पता नहीं, जब तक खत्म नहीं हुआ। अभी तो बहुत सारा बचा हुआ, मशीनें चल रही है, आवाज भी आ रही होगी तुम्हारे को। और भाई यहाँ पे मतलब ये कांटे कांटे हर जगह, पूरी पैंट मेरी कांटों से भर गई। ये देखो लाइक दिस। ये देखो भाई ये है वो कांटा, देखो कैसे पैंट में चिपका पड़ा है मेरी। और देखो मतलब इतना तगड़ा कांटा ना भाई, चुभता है ना जब ये ऐसे कपड़ों में लगा रहता है। देखो तो भाई अभी यहाँ पे घास काटने वाली मशीन है, तो उसको मैं लेके जाऊँगा, सभी नीचे पड़ी है तो मैं लेके आता हूँ, मिली तब तक कैमरा संभालेगी। सो भाई हालत माड़ी होगी बहुत ज़्यादा, अभी तो आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचे। मैं दूसरी बार आई हूँ। तू बिना मशीन के आई है ना, ये देखो ये मशीन का बाहर भी है मेरे साथ में। मैं दूसरी बार आई हूँ। चलना दोस्तों, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि बहुत नीचे से आया हूँ, अभी बहुत आगे जाना है। सो भाई यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ मैं, मिली भी अभी यहाँ पे जानकारी में किसी आंटी के पास साथ चलेगी। ये देखो जहाँ मैं रेस्ट करने बैठा हूँ ना, ये मशीन रख दी मैंने, और यहाँ पे इतने सारे बर्तन वर्तन पड़े देखो, और वहाँ पे टेंट भी लगा रहे हैं, शायद यहाँ पे किसी की शादी है कल। मिली वहाँ चल गई अंदर सहेलियों के पास अपनी, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इतनी देर का, पता नहीं कब आएगी। सो भाई
6 बज चुके हैं यहाँ पे। सो मैं अभी भी घर पहुँचा, मिले तो मतलब वहीं पे जिसकी शादी है ना उस लड़की के साथ चली गई वहीं पे अंदर। मैं बाहर वेट करता रहा लेकिन वो आई नहीं। सो मैं एक मतलब लड़का था वो लेके आ रहा था ऐसी मशीन, तो उसके साथ में आ गया भाई। मतलब बहुत थकावट हो गई। काके काका ओए भाई, काका को भी डायपर बना दिया और तो खेलने के मूड में है अभी। सो देखो दोस्तों, यहाँ मिल्ली के सिर में चोट लग चुकी है। किस क्या हुआ था? मैं अंदर आ रही थी, नहीं मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। दिन में भी तो लड़ा था मेरे साथ ही। अच्छा, फिर इसने मेरे को इसी बोतल से मारा बहुत जोर से। और यहाँ पे मेरे वैसे ही पिंपल थे, वो भी फट गए, खून ही खून निकल रहा है। ये मेरे से सिर्फ रिश्ते में 2 दिन बड़ा है और फिर भी ये मेरे ऊपर बहुत जमाता है। 2 दिन बड़े होने के साथ रिश्ते में 2 दिन बड़ा है। इसका बर्थडे सिर्फ 2 दिन पहले आता है। कब आता है सोने के लिए आ गए हैं और मतलब अब तो नींद भी आ रही है वो क्योंकि एडिटिंग भी करनी है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ। आप देख रहे हो लाइव देवांश एक्शन। ये क्या भूत बना है? दर्द हो रही है टिंकू। ओवर एक्टिंग के 5 रुपए काट।